नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे मेथी आलू मटर की शाही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी। तो मार्केट में चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मेथी ना मिलने लग गई है, तो सोचा क्यों ना आज ज़बरदस्ती एक सब्ज़ी बनाई जाए जिससे आपके स्वाद के चटकारे बोल दें। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गर्म किया है और उसमें चुटकी भर हींग डालकर तड़का लेंगे। इसके बाद दो बड़े आकार के आलू जो अच्छे से चॉप करके धुल कर रखे हैं, इसको तेल में डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, इससे स्वाद बहुत बहुत उम्दा आता है और थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो कुछ ही देर में ना आपके ये जो आलू है ना, ये ब्राउन हो जाएंगे और बड़े मज़ेदार से हो जाएंगे, क्रंची करारे से। अब इतने आलू हमारे देख सकते हैं कि ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आलू को ना डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी होने तक भूनिए आलू को। और इस स्टेज पर सभी आलू को निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटर, मेथी और दो हरी मिर्ची ली है। मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, यहाँ पे लगभग 200 ग्राम मेथी साफ़ करके अच्छे चॉप करी हुई है। एक बड़ी कटोरी मटर लिए हैं और दो हरी मिर्ची ली है। इन तीनों सब्जियों को ना तेल में डाल करके भूनेंगे और आप देख सकते हैं ना कि भूनने के बाद ना मीठी जो है हमारी कंप्रेस हो चुकी है। अब इस स्टेज पर ना हम दो बड़े आकार के टमाटर जो अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिए गए हैं, आप ब्लेंड या प्यूरी भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे डाल देंगे। चॉप करके मत डालिएगा, काजू यहाँ पे जो पिसा हुआ टेस्ट है ना टमाटर का वही बोलेगा। तो इन सभी सामग्रियों को डालकर ना 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और जब ये भून जाए ना तब अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, आधा चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ की है, आप चाहें ना तो नॉर्मल लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी इसलिए यूज़ की थी क्योंकि इसकी जो तीखाहट है ना कम होती है। इसके बाद डालेंगे इसमें सब्जी का जायका बढ़ाने के लिए 3 टेबलस्पून घर की मलाई, और इसके साथ डालेंगे हम थोड़े से काजू और किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मना कर सकते हैं, आप डाल ही नहीं सकते, स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी सामग्रियों को डालकर ना अच्छे से भूनेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक सब्जी में से ना तेल ना निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट तक आप इसे भूनेंगे और भूनने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सब्जी है ना वो ऊपर से तेल छोड़ रही है। अब यहाँ पे ना जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो इस सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सब्ज़ी है इसमें आलू हमने मिक्स कर दिए हैं और मिक्स करने के बाद हम सब्ज़ी को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इस सब्ज़ी में तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और तेल जो है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। लगभग 5 मिनट तक सब्जी ढककर या खुले में पकाइएगा। वैसे आलू जो है वो तले हुए हैं और जल्दी ही गल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने खुला करके पकाया था। लगभग 5 मिनट तक भून भून कर ही सब्जी को पकाइए। इसकी स्वाद और सुगंध के तो क्या कहने, आप दीवाने हो जाओगे। इतनी टेस्टी सब्जी है कि आप ना आलू मेथी मटर की सब्जी इसी अंदाज से बनाएंगे अगर आपने एक बार ये सब्ज़ी बना ली तो। उम्मीद है ये रेसिपी ना आपको पसंद आएगी और आप इसी तरीके से सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाकर खाओगे इसी शाही अंदाज में, नॉर्मल आलू मेथी की सब्ज़ी। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी ना बिल्कुल पककर तैयार है। गर्मा गर्म फुलकों के साथ इसे भी इंजॉय कीजिएगा और इस सर्दी ना इस बार ये वाली सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाइएगा। चलती हूँ, जय श्री हरी, श्री राधे।